जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, के हाल चाल। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों, मुझे एक भाई का कमेंट आ रहा था, वो पूछ रहा था कि आपका जो ग्रेडर है एक घंटे में कितना डीजल खाता है। तो दोस्तों, मेरे सामने डीजल टैंकर खड़ा है, मैं डीजल डलवाऊँगा, ठीक है, आपको रेटिंग भी दिखाऊँगा और टैंक फुल करूँगा, ठीक है। टैंक फुल करके फिर मैं देखूँगा दूसरे दिन, फिर डीजल डलवाऊँगा, फिर मालूम पड़ेगा जी कितना डीजल खाता है, ठीक है। पहले आज डीजल डलवा देते हैं, टैंक फुल कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन फिर डीजल डलवाएंगे, फिर मालूम पड़ जाएगा करेक्ट, ठीक है, मीटर की रीडिंग निकाल के कि कितना डीजल खाता है। अभी एक बार डीजल डलवा लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये डीजल टैंक कर लिया हमने फोरेज का, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ऊपर तक डीजल टैंक फुल कर लिया। अभी हम इसको चलाएँगे आज और कल, तो जब मैं डीजल डालूँगा ना दोबारा, तो मीटर रीडिंग देख के उसके बाद इसकी एवरेज करेक्ट निकल जाएगी कितनी एवरेज है, ठीक है। ये खड़ा डीजल टैंकर पास। और दोस्तों, ये है इसकी मीटर रीडिंग, ठीक है, इसका मैं वीडियो के ऊपर स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा, ठीक है। ये है 44,558 घंटे तकरीबन ये चल चुका है, लास्ट वाले 58 को लेंगे हम, ठीक है ना, बाकी को जो रीडिंग है वो सेम रहेगी। तो कल को देखते हैं इसकी एवरेज निकालते हैं पूरे कितना डीजल खाता है। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों, आज है दूसरा दिन, ठीक है, जैसे मैंने कल डीजल डाला था तो रेटिंग लिख ली है। अभी मेरे सामने वो डीजल टैंकर खड़ा है, वो सामने, ठीक है। अभी मैं डीजल डलवाऊँगा, डीजल डलवा के फुल करूँगा टैंक, कितना डीजल आएगा उससे एवरेज निकल जाएगी। देखो रीडिंग कितनी हो गई, 75 लीटर आया है, मैं तो कुछ नहीं आया। तो 75 लीटर डीजल टैंक फुल, हम कट दें एवरेज कितनी हो गई। हाँ जी दोस्तों, अभी डीजल टैंक हो गया पूरा, ठीक है, ये आप मीटर रीडिंग देख सकते हैं, ये लास्ट वाली 65 है, ठीक है। और जो कल डाला था वो रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी है, ठीक है, लास्ट वाली 65 है, कल वाली कितनी होगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। दोस्तों, तो दोस्तों अभी खाना खा लिया मैंने, लंच हो गया मेरा। बाकी दोस्तों का अभी इसकी बात करते हैं कि एक घंटे का ग्रेडर ने कितना डीजल खाया है, ठीक है। जैसे मैंने कल डीजल डलवाया था, टैंक फुल करवाया था, उस टाइम जो उसकी मीटर रीडिंग थी, आपने वीडियो में देखी होगी, शॉर्ट स्क्रीन भी मैं लगा देता हूँ, तो उसमें मीटर रीडिंग थी इसकी 58.5, जो लास्ट की थी ना वही हम काउंट करेंगे, 58.7, ठीक है। आज जो रीडिंग है वो हो गई 65.5, सिर्फ 2 पॉइंट कम है, उसमें तकरीबन 7 घंटे ग्रेडर चला है, 7 घंटे में इसने 75 लीटर डीजल खाया है, ठीक है। आज जब डीजल टैंक फुल किया तो 75 लीटर डीजल इसमें आया है, तो उसके हिसाब से इसने 10.5 की एवरेज दी है। अगर मान लो ये 70 लीटर डीजल खाता इतने टाइम में, तो ये एवरेज 10 की निकल जानी थी, अगर 80 लीटर खाता तो 11 की निकल जानी थी, पर इसने खाया ग्रेडर ने एक घंटे में 10.5 लीटर डीजल। अगर काम की बात करें, कल शाम को मैं एक बेड पर था, रीपर ऊपर मारे मैंने, ठीक है, उसमें कटिंग का काम भी था, जोर का काम भी था। आज के दिन इसने ज़्यादा इतना जोर का काम नहीं था, सिर्फ रोड क्लीनिंग में चला ग्रेडर, तीसरे गियर में बस, ठीक है, मैं तीसरे गियर में ज़्यादा चलाता हूँ। बाकी इस ग्रेडर की जो चाल है तीसरे गियर की, जो छोटे ग्रेडर है 140 है या 120 है, उसकी चौथे गियर की चाल और इसकी तीसरे गियर की चाल सेम है, ठीक है। अगर इस मशीन की हॉर्स पावर से, एच पी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, पावर के हिसाब से देखा जाए, मशीन के साइज के हिसाब से देखा जाए ना, ये जो कटर फिलर का 14H है ना, इतना बढ़िया ग्रेडर है ना, वो डीजल बहुत कम खाता है ये ग्रेडर। मैंने पहले ये मशीन चलाई है काफ़ी, अगर मैं इसका कंपेयर उससे करूँ 705 से, जो 705 कुमात्सु का ग्रेडर है, वो ज़्यादा डीजल खाता है, ठीक है। जो छोटा ग्रेडर है कुमात्सु का, वो भी इससे ज़्यादा डीजल खा जाता है, अगर उसको पूरा पेल के चलाएं, वो जितना आप उसका एक्सीलेटर देंगे वो उतना डीजल ज़्यादा खाएगा। इसका ये है, क्योंकि इसका सादा ट्रांसमिशन है, जैसे पहले होते थे, अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम आने लग गया ग्रेडरों में, तो ये एवरेज अपने हिसाब से ऑपरेटर इसकी एवरेज निकाल सकता है,
ठीक है, जैसे 10.5 इसने कम से कम 10.5 की एवरेज दी है, मैंने बड़े प्यार से चलाया है, ठीक है। तीसरे गियर में वही नॉर्मल आरपीएम रखा मैंने, तो इसने 10.5 की एवरेज दी। अगर मैं खींच खूंच के भी चलाऊं, पूरा दबा के चलाऊं तीसरे गियर में, तो ये 13 से ज़्यादा, 1 घंटे का 13 लीटर से ज़्यादा डीजल खाएगा नहीं ग्रेडल, ठीक है। अगर हम 120 की बात करें, 120 के है या एच है, ठीक है, वो 13-14 लीटर 1 घंटे का डीजल, 15 लीटर भी 1 घंटे का डीजल खा जाते हैं, क्योंकि उनका कारण ये है, वो मशीनें छोटी, ठीक है। जब उनके आगे लोड पड़ता है ना, वो ज़्यादा उस टाइम जब मशीन के आगे लोड पड़ता है, तो डीजल की जो मात्रा है ना, बढ़ जाती है पंप में। पर ये जो मशीनें हैं, ठीक है, इनमें पावर ही इतनी है, ठीक है। आप जब कटिंग फिलिंग करते, तो अगर आप आराम से चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है, मान लो अगर 2 की कटिंग करें, 2 की लेके चलेंगे, तो ये 1 बराबर ही डीजल खाएगा, बाकी ये ज़्यादा डीजल नहीं खाता। मैंने पहले पुरानी कंपनी में कम से कम 1-1.5 साल ये सेम ग्रेडर चलाया मैंने, ठीक है। वो आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आप मैंने लगा दिया ऊपर, ये वाला ग्रेडर चलाया जो मेरे पीछे खड़ा था, ये 7 साल, तकरीबन 6 साल पहले की फोटो है, ठीक है। तो ये ग्रेडर डीजल नहीं खाते ज़्यादा, बहुत बढ़िया ग्रेडर है। अगर यही ग्रेडर इंडिया में हो ना, तो मालक का फायदा डबल करेंगे, एक काम का फायदा करेंगे, काम ज़्यादा निकालेगा ये ग्रेडर, दूसरा ये डीजल कम खाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर मैं देखूं, अगर जैसे इंडिया में चाइनीज मशीनें चलती हैं, ठीक है, मालक कम रेंट पे 2.5 लाख पे या 2 लाख पे चाइनीज मशीन है, ठीक है, उनको हायर कर लेते हैं, ले लेते हैं, पर वो मशीनें डीजल बहुत ज़्यादा खाती है, मालक ये चीज़ समझते नहीं है, ठीक है। अगर कटरपिलर की मशीन देखा जाए ना, तो काम भी अच्छा करती है और डीजल भी कम खाती है। अगर कुमात्सु की बात करूँ, जो 511 कुमात्सु था पुराना मॉडल, JD 511, ठीक है, वो भी डीजल बहुत कम खाता था। जो विदेश में जो 705 है, 705 पुराना कुमात्सु ग्रेटर, वो भी डीजल कम खाता था। ये मशीनें जो पुरानी मशीनें ना, बहुत सही मशीनें होती थी, ठीक है, डीजल बहुत कम खाते थे। जैसे एच मॉडल है, वो भी डीजल कम खाता था, बाकी अपने आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है दूसरा कोई भाई चलाता होगा, वो कह रहा होगा मेरे पास तो 18 की एवरेज दी है, पर मैंने प्रैक्टिकल निकाला है, ठीक है। अगर मैं इसको खींच के भी चलाऊँ ना, तो भी ये 13 से ज़्यादा डीजल नहीं खाएगा। बाकी दोस्तों यही था, आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे फिर नया कंटेंट लेके नई वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत, खुश रहें।